स्वागत है दोस्तों एंटरटेनमेंट विकिपीडिया चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं डूलिटल फिल्म के बारे में। आज है हमारे साथ अनुपम, सचिन और सितिजा। बहुत ही बढ़िया फिल्म है, सच्चा अमेजिंग फिल्म, और हम जानेंगे सारी चीजें डिटेल के साथ। तो चलिए देखते हैं, लेट्स बिगिन। तो भाई लोग, सबसे पहले जानेंगे हम अनुपम से कि अनुपम को ये फिल्म कितनी अच्छी लगी। मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगी एक्चुअली। जो जानवर और इंसान के बीच में जो रिलेशनशिप दिखाया गया तो बहुत खूबसूरती से दिखाया गया, और एनिमेटेड था फिर, पर वो फील नहीं हुआ कि ये एनिमेटेड है, और बहुत ही जो है ना रियल नेचुरल चीज़ निकल के आई है। बहुत डिटेलिंग पे काम किया गया, बहुत पसंद आई मुझे फिल्म। तो अनुपम को फिल्म बहुत पसंद आई। अब जानते हैं सचिन से। मूवी बहुत अच्छा था, बहुत एडवेंचरस मूवी है। जैसे कि अनुपम ने बताया कि इंसान और जानवरों के बीच में कैसा बॉन्डिंग दिखाया हुआ है, और एडवेंचर मूवी है। मतलब आप एक बार जाओगे आपको बहुत पसंद आएगा। एक्चुअली मैंने प्रीमियर देखा है अभी, तो देख के बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ओवरऑल सचिन को भी फिल्म बहुत पसंद आई। अब जानते हैं सितिजा से। मूवी वैसे ही अच्छी है, रॉबर्ट डाउनी जूनियर है तो ऑब्वियसली मूवी अच्छी रहेगी। एक थीम दिखाई दी है जो एनिमल्स हेल्प करते हैं ह्यूमन को, वो अच्छी तरह से प्रेजेंट किया है। बहुत ज़्यादा कॉमेडी सीन्स भी है, हाँ फिर और स्क्रीन प्ले भी बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट किया है। एडवेंचर्स को अच्छी तरह से स्क्रीनिंग दिखाई दी है। मोस्टली प्रोबेबली बेसिस था कॉमेडी सीन्स का ही, कैसे वो हेल्प करते हैं एंड एंड में जो होता है दैट्स हैपन। मस्ट वॉच फिल्म है, देख सकते हो आप लोग। तो भाई लोग, बहुत ही अच्छी फिल्म निकल के आई है। 90s के ज़माने में ये फिल्म आई थी, इसका पहला पार्ट आया था। एक्चुअली ये बुक के हिसाब से ली गई फिल्म है, जो 90s-80s में बुक आई थी सेम नाम से, डूलिटिल नाम से। यहाँ पे डूलिटिल नाम से जो हमारा किरदार है, जो कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर प्ले कर रहे हैं, इसका पुरानी फिल्मों से कुछ कनेक्शन नहीं है, पूरा का पूरा रिबूट किया है ऐसा हम बोल सकते हैं। ओवरऑल फिल्म बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस है, और आपको कहीं पे भी ये फिल्म ऐसा नहीं दिखाएगी कि आपको ये डिज्नी का फील नहीं दे रही है। जी हाँ दोस्तों, ये डिज्नी की फिल्म नहीं है, ये यूनिवर्सल स्टूडियो की फिल्म है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगी है। और बच्चों के लिए स्पेशली, आप अगर सोच रहे हो इस सैटरडे संडे जाना, तो डेफिनेटली 100% रिकमेंड करूँगा। एंजॉय होते हो, और बहुत ही कम 2 घंटे के अंदर की ये फिल्म है, तो बहुत मज़ा आता है, और बहुत ही अच्छी पूरी की पूरी फिल्म है। स्वागत है दोस्तों, इस संकेत के साथ है ये संकेत। जी हाँ दोस्तों, हम बचपन के फ्रेंड्स हैं, हम स्कूल के स्कूल फ्रेंड्स ऐसा बोल सकते हो, और साथ ही साथ अभी पुणे में मीट हुआ है हमारा सोनी पिक्स के दरमियान, हमने देखा है डूलिटिल। तो हम जानेंगे आज संकेत से कि संकेत को डूलिटिल फिल्म कैसी लगी। तो आई ग्लैड टू मीट अनदर संकेत एंड हाँ, ये मतलब ये मूवी मैंने बचपन से देखता आ रहा हूँ, तब कोई और कैरेक्टर प्ले करता था इनका, लेकिन जब मुझे पता चला कि डॉक्टर डूलिटिल फिर से बन रही है, और नेक्स्ट थिंग दैट है दैट वॉज इंटरेस्टिंग कि ये जो बचपन के लोग हैं, जैसे जुमांजी हो गया, डॉक्टर डूलिटिल हो गया, तो बचपन में जिनको पसंद आया उनको अभी भी है कि नहीं भाई डॉक्टर डूलिटिल देखना है। और कैरेक्टर जब रॉबर्ट जी प्ले कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, चार चांद लगा दिया, बहुत मजा आ गया। मतलब आई रियली लाइक दैट। ओवरऑल रेटिंग कितने दोगे इस फिल्म को? यार देखो क्या है कि मतलब बचपन से एक अंदर से चाह थी कि नहीं डॉक्टर डूलिटिल बने, लेकिन जो प्ले कैरेक्टर प्ले किया है, तो मतलब मैं 4.5 out of 5 4 star तो दे दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है इसको। चलिए मिलते रहेंगे ऐसे ही हम दोनों साथ ही हर बार, और आपके शो पे भी आएंगे। ये भी कॉमेडियन है भाई लोग, कम मत समझिएगा। तो थोड़ा बहुत जानकारी, तो मैं संकेत शिराडकर, मैं पुणे सिटी में स्टैंड अप कॉमेडी करता हूँ, मोस्टली हिंदी मराठी में, एंड आई हैव माय इंस्टाग्राम पेज SAN75T। प्लीज आपको फ्लैश हो रहा रहेगा, हाँ तो प्लीज़ फॉलो करिएगा। और वी आर डूइंग शोज अराउंड द सिटी ऑन वीकेंड्स, सो प्लीज़ डू कम एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू हिज चैनल एंटरटेनमेंट विकिपीडिया एंड लाइक दिस वीडियो शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। तो जानते हैं पहले अनुपम और सचिन से, ये लोग कितने स्टार देंगे? 4.5 आई विल गिव इट 4। तो अनुपम ने दिया है 4 और सचिन ने दिया है 4.5। अब जानते हैं सितिजा से। 3.5। सितिजा को अच्छी नहीं लगी भाई। 3.5 सितिजा ने दिया है, मैंने दिया है 4.5, सचिन ने भी 4.5, अनुपम ने दिया है 4 स्टार। ओवरऑल एंटरटेनिंग और एंगेजिंग सा पैकेज है, आपको थोड़ा बहुत भी बोर नहीं करती ये फिल्म, और डेफिनेटली इट मस्ट वॉच, और बहुत ही अमेजिंग सी फिल्म है। अभी तक आपने अगर देखने का प्लान नहीं किया है तो कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है।
और 1917 का रिव्यू शायद से कल मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट देखते कैसी चीजें रहेगी। ओवरऑल वो भी फिल्म मस्ट वॉच और मस्ट रिकमेंडेड फिल्म है। बाकी रह गई तानाजी और छपाक के बारे में, वो कभी बाद में बात करेंगे। ओवरऑल यही है हमारा रिव्यू, तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।